हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारी क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे डेली वोकैबुलरी, जैसा कि हम लोग कर ही रहे हैं। तो आज हमारा डे 4 है इसका, एंड आगे की वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है डे 1, डे 2 एंड डे 3 का, प्लीज़ वो वीडियो को पहले देखें, ताकि आप लोगों को हमारा पैटर्न पता चलेगा किस तरह से हम लोग CUET एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं वोकैबुलरी की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है अवो। अवो मतलब क्या होता है? पहली बात तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कन्फेस करना। तो ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं ये गाइस। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है कि सिनोनिम्स बताने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे 3 एंड आपको टिक करना होगा उसमें से कोई 1। चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। एज अ एग्जाम्पल, ही अवॉर्ड हिमसेल्फ अ सोशलिस्ट। उसने क्या करा? उसने स्वीकार करा अपने आप को सोशलिस्ट। अब वो का मतलब होता है स्वीकार करना। प्लीज गाइज, आप ये चीज बार बार एक बार अपने भी माउथ से रिपीट करिएगा, बोलने की कोशिश करिएगा। अब वो मतलब होता है स्वीकार करना, वो मतलब होता है स्वीकार करना, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे इसको। सेकंड है फोमेंट। फोमेंट मतलब क्या होता है? भड़काना, किसी जैसे कि भड़का देते हैं कोई लोग किसी एक दूसरे को। इनफेम, इंड्यूस, प्रोवोक, स्पर्ड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। आप लोगों को ऐसे ही 4 ऑप्शंस मिलेंगे ना, आपको बताना है फोमेंट का सही सिनोनिम कौन सा है। द रेबल नो द ट्रूथ एंड सीक टू फोमेंट रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ? रेबल्स को पता था कि ट्रूथ क्या है, उसके वजह से क्या हुआ? उसने उसको भड़का दिया, जिसके वजह से रेवोल्यूशन हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। थर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब गंभीर हो जाना, किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाना। रॉकर्स और सोबर इसका क्या है? सिनोनिम है। द रिपोर्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर स्कूल। तो रिपोर्ट ने क्या करा? गंभीर सिचुएशन ला दी, किसके लिए? स्कूल वालों के लिए। गाइज, आप लोगों को जहां पे भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज आप कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे प्रोवाइड कर सके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ मैडन। मैडन का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाना। एंग्री, रोल, रैस्प, डिसगेंटुअल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही मिल सकता है, आपके क्वेश्चन के तौर पे आपको डिसगेंटुअल भी मिल सकता है आपके क्वेश्चन के तौर पर, जिसकी आपको ऑप्शन टेक करना होगा उसका एक। You madden me when you talked of the diamond. आप तुमने मुझे क्रोधित कर दिया, किसके लिए? जब तुमने डायमंड की बात करी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? रिलेट करने की कोशिश करिए अच्छे से, वोकैबुलरी आपकी पूरी तरीके से CUET एग्जाम के लिए आप जरूर क्लियर कर सकेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिफ्थ है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब छोड़ देना, छोड़ना किसी चीज को, कोई ग्रुप छोड़ देना, या कोई सिटी छोड़ देना, कोई वर्ल्ड जैसे कि छोड़ देना। लीव, क्विट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। शी डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। उसने क्या कहा? कि वो वर्ल्ड को छोड़ देगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना से जितना हो सके इसको शेयर करिए।